स्वर्गीय संजय गांधी की जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंचे कांग्रेसियों को नहीं मिली स्वर्गीय संजय गांधी की मूर्ति। कांग्रेसियों ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। कांग्रेस प्रदेश सचिव तेज प्रकाश राणे ने उठाया मुद्दा। जी हम आपको बता दें, इंदौर में संजय गांधी की मूर्ति लापता होने का मुद्दा गर्मा गया है। गौर करने वाली बात है कि इंदौर के संजय सेतु पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा मूर्ति लगाई गई थी। उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे। इसी दौरान जब संजय सेतु का निर्माण हुआ और मूर्ति को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा हटाया गया तो कांग्रेसियों ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन उस समय वादा किया गया कि संजय गांधी की मूर्ति दोबारा लगा दी जाएगी। लेकिन जब स्वर्गीय संजय गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने मूर्ति की तलाश की और इंदौर विकास प्राधिकरण पहुंचे तो उन्हें मूर्ति लापता मिली। कांग्रेसी नेताओं ने इसको मुद्दा बना लिया और इसको लेकर बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश सचिव तेज प्रकाश राणे ने स्वर्गीय संजय गांधी की प्रतिमा गायब होने के मामले पर प्रदेश सचिव ने मुख्यमंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी पत्र लिखा और शिकायत दर्ज कराई। इंदौर शहर के अंदर संजय गांधी की मूर्ति स्थापना अर्जुन तत्कालीन अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी आधारशिला के आधार पर यहाँ संजय सेतु पर उनकी मूर्ति सुरक्षित स्थान पर स्थापित की गई थी। किंतु विगत कई वर्षों से जब संजय सेतु का कार्य चला तो उस मूर्ति को हटा दिया गया। उस मूर्ति को हटाने के वास्ते विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कई वर्षों से उपेक्षित करते रही है तथा उस मूर्ति को अपनी जगह भी स्थापित नहीं किया गया। जब हमने हमारे सूत्रों के माध्यम से विकास प्राधिकरण के माध्यम से जानकारी प्राप्त करी तो वहाँ से यह पता चला गया कि मूर्ति गायब हो चुकी है। उसी को लेकर आज हमने संभाग आयुक्त महोदय के नाम माननीय DIG को हमने एक शहर कांग्रेस की तरफ से एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मूर्ति गायब होने की सूचना दी और उसी पर कार्रवाई करने की मांग की।